टूर हुआ तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो, हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया, सारे आलू प्याज 400-500 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में, ये याद रखना। पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है, वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत, एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है, अभी उसका कौन है, आप लोग ही हो, वो आपको ही परिवार समझता है अपने मुल्क को। तो देखो यूनाइटेड अरब अमीरात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि आपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी, वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बम्बई बरास्ता समुन्दर के रास्ते से। देखो एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है, पानी समुन्द्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर दो दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है, तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएंगी पाइपलाइनें। पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहां से जाएगा डीजल पेट्रोल, तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है, तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूं और मैं इंडियन कंपनी में हूं। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए, क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे, ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो हमने देखा है। अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है, आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए, आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है, तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमीरात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हाइपर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बर्दुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डॉन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुन्द्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमीरात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले, ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलकर खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया, एग्रीमेंट किसने किया, मोदी जी ने किया, किन के साथ किया, शेख खलीफा बिन जायद अल नायान के साथ किया जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है, तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कोई सिटी टूर में होता है, तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोचते हैं, जो हमारे इलम में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमारी बात अच्छी लगी है तो सब लोग मिलकर क्लैप कर दो जोर से, ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।